गुड मॉर्निंग एवरीवन, श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स स्कूल जसवंत गढ़ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं रेशियो लेसन लेसन से क्वेश्चन नंबर 7। और इस क्वेश्चन में जो चीज़ हमें दे रखी है और हमें जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो कुछ इस तरीके से है। हमें दी गई है कुछ इन्फॉर्मेशन जिसमें आप देख रहे हैं सेल्स, जीपी, एनपी, नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के कुछ आंकड़े दे रखे हैं। कैलकुलेट करना है जीपी रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। तो ये जो चीज़ें दे रखी है आप बुक्स में देखेंगे तो वहाँ आपको कैंडल अकाउंट दिखाई देगा और जो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज वाली जो चीज़ें हैं इनको आप देखोगे तो आपको बैलेंस शीट दिखाई देगी बुक्स के अंदर। लेकिन मैंने यहाँ जो हमें चीज़ें कैलकुलेट करनी है उनके अकॉर्डिंग जो चीज़ चाहिए वो यहाँ से उठाई है, पेंडल से और बैलेंस शीट से। तो पेंडल से मैंने यहाँ सेल्स ली है, जीपी लिया है, एनपी लिया है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम लिया है। इसके अलावा हमें जैसे कि करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो में हमें करंट एसेट्स और जो करंट लाइबिलिटीज की आवश्यकता होती है तो ये मैंने यहाँ लिख लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में जो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है उनके अकॉर्डिंग हमें जो डेटा जिन चीज़ के चाहिए थे वो हमने सारे यहाँ लिखे हुए हैं। तो चलते हमारे टॉपिक पे और सबसे पहला हमारा टॉपिक निकालने का है वो है जीपी रेशियो। तो जीपी रेशियो का जो फॉर्मूला है यानी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से होता है। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू सो। यदि हमें किसी प्रकार की भी सेल्स रिटर्न यदि दी हो तो उसको घटा देना चाहिए, हमें नेट सेल्स दिया चाहिए। लेकिन हमने सब कुछ ऑलरेडी नेट सेल्स के रूप में लिया हुआ है, इसमें किसी प्रकार की रिटर्न हमारे पास थी नहीं तो हम इसको नेट सेल्स के रूप में इसको मानेंगे। तो हमारे पास ये नेट सेल्स है, ग्रॉस प्रॉफिट हमें दे रखा है वो है 160,000 और नेट सेल्स है 4,400,000। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी चीजें हमने यहाँ रख दी है और अब हमें करना क्या है, हमें कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी और यहाँ इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके गुणा भाग करके और हमें इसके आंकड़े निकालने हैं। तो कैलकुलेटर से मैं चीज करूँगा तो देखते हैं कितना आता है। तो ये आता है 39.96। तो लगभग ये 40% है जो कि ग्रोस प्रॉफिट है सेल्स का। तो इस तरीके से इस रेशियो से ये पता चलता है कि हमने जितनी सेल्स करी है उसका ग्रोस प्रॉफिट हमारा कितना परसेंट है। तो इसमें पता चलता है कि लगभग हमारा 40% के आसपास है जो ग्रोस प्रॉफिट हमारा है। उसके बाद में हम बात करते हैं नंबर 2 पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो इसका जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो होगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू करेंगे 100 से। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हमें नेट प्रॉफिट यहां दिया हुआ है। हमें यदि नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना होता तो हम सीधा नेट प्रॉफिट यहां लिख देते, नीचे सेल्स लिख देते और गुणा 100 कर दे तो इस तरीके से है जो कि इसका रेशियो निकल जाता है। लेकिन ये नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है इसके लिए हमें यह दो चीज दे रखी है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। हमें क्या करना है, नेट प्रॉफिट में ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जोड़ने और इनकम घटानी है तो जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहां लिखते हैं यह आएगा सबसे पहले एनपी प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो एनपी तो हमारा है 67,200
प्लस एक्सपेंसेस है 1600 माइनस इनकम है 4800, ये इसमें जोड़ते हैं तो ये हो जाते हैं 68800। ये घटाएंगे इसमें से तो राशि हमारे पास बचेगी 64000। तो इस तरीके से नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे यहाँ 64000, और ये 64000 नेट सेल्स का कितना परसेंटेज है वो हम निकालेंगे। तो यहाँ आगे इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा जगह कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए किस तरीके से नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने निकाला है। और यहां लिखेंगे 64000 एंड नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट सेल्स लिखेंगे 4400। तो यहाँ 64400 और नीचे 4400 इंटू करेंगे 100। तो कैलकुलेटर की हेल्प लेते हैं, देखते हैं कि कितना आता है। तो ये आता है 15.98। तो इस तरीके से जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा वो 15.98 है, जो कि सेल्स का है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो चीज हमने निकाल ली है। नेक्स्ट जो दो चीजें हैं तो निकाली है जो करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो, उसमें हमें करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज है इनकी आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं करंट रेशियो का फॉर्मूला, तीन नंबर पे लेंगे। करंट रेशियो, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला है वो होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स आप देख रहे हैं हमने लिख रखा है स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, इन सब का टोटल करना है। टोटल करंट एसेट्स देख लेते हैं यहाँ, तो इनका जो टोटल है वो होगा 36, 12, 48, 48 और 78। एक लाख 26400 होता है ये, तो यहां लिखूंगा 1,26,400। दोबारा से मैं टोटल कर लेते हैं इसका, ये 400, 8 से 14, 2 16, 8 9 10 11, ये 1,26,400 ही है। और करंट लायबिलिटीज है जो कि यहाँ दिया हुआ है 2,800 और 12,000, तो 12 और 2 14,800 दिया है, 14,800। इस रेशियो के अंतर्गत हमें ये देखना होता है कि ये आदर्श है या नहीं है, या आदर्श से नीचे या आदर्श से भी कुछ अच्छी कंडीशन में है। आदर्श अनुपात जो करंट रेशियो होता है वो 2:1 का होता है, 2:1, यानी जो करंट लायबिलिटीज है उसका करंट एसेट्स डबल होना चाहिए। डबल या डबल से अधिक होगा तो ज्यादा बेटर होगा, कम से कम डबल होना चाहिए। करंट एसेट्स यदि 2,00,000 है तो 1,00,000 क्या हो करंट लायबिलिटीज थी, ये 1,00,000 है, 2,00,000 है, नहीं ऊपर वाली संख्या है जो डबल होनी चाहिए, तो आदर्श माना जाता है। उससे कहीं आगे जाता है या उससे कहीं अधिक हो तो वो अच्छी स्थिति मानी जाती है, संस्था स्ट्रॉन्ग है, अच्छी उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है। तो इसका जो रेशियो है तो मेरे को लगता है कि ये लगभग 8 गुना इससे ज्यादा है, तो ये 8 point something आएगा। तो फिर भी हम कैलकुलेटर से इसके अंदर भाग लगा के देखते हैं कि कितना आता है। तो ये आता है 8.53, तो नजदीकी आंकड़ों में लिखूंगा 8.5:1, 8.5 भी आता है लेकिन मैं इसको नजदीकी आंकड़ों में लिखा है। अब बात करें लिक्विड रेशियो की, लिक्विड रेशियो का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है, क्विक रेशियो भी बोलते हैं, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो भी इसको कहा जाता है।
इसका फॉर्मूला है क्विक एसिड्स या लिक्विड एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो लिक्विड एसेट्स हमें निकालनी है। लिक्विड एसेट्स कौन सी होती है, तो इसका एक फॉर्मूला है, लिक्विड एसेट्स इज इक्वल करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये इसका फॉर्मूला होता है। करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड को यदि हम छोड़ देते हैं, निकाल देते हैं, तो बाकी जो बची हुई जो चीजें वो सारी सारी इसमें आती है, लिक्विड एसेट्स में जो शामिल होती है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी करंट एसेट्स है उसमें से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस घटा देते हैं। तो हमारा इसमें देख लेते हैं कि स्टॉक दिया हुआ है और प्रीपेड एक्सपेंसेस है नहीं, तो उनको छोड़ देते हैं। तो बाकी जो बचा हुआ हमारा लिक्विड है, तो ये रिसीवेबल और कैश है, इन दोनों को जोड़ लेते ही बचता है। तो 12 और ये 36 होते 48,000। तो इस तरीके से हमारी लिक्विड एसेट्स बचती है 48,000। यहाँ आप तरीके से लिखना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं 1,00,000, ये 26,400 माइनस स्टॉक है जो घटा देंगे 78,400, तो ये आ जाएगा 48,000। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, सीधा भी लिख सकते हैं हम। बाकी यहाँ थोड़ा सा दिखा देना चाहिए कि ये इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट किया है। नीचे लिखेंगे करंट लायबिलिटी 14,800, तो ये आएगा करीब 3 point something आएगा। फिर भी हम एक्यूरेट थोड़ा अंदाजा ले लेते हैं कि कितना आता है, तो कैलकुलेटर की हेल्प ले लेते हैं एक बार इसमें। तो ये आया है 3.24 अनुपात 1 लगाएंगे इसके आगे, तो ये रेशियो आता है 3.24। यानी ये अच्छा, इसकी भी बात करें कि ये आदर्श अनुपात कैसा होता है, तो आदर्श अनुपात की भी बात करें कि ये होता है 1:1। यानी जितनी करंट लायबिलिटीज है उतनी उतनी लिक्विड एसेट्स होनी चाहिए हमारी, ठीक है। यानी ये दोनों बराबर होने चाहिए, तब तो आदर्श है। उससे भी अधिक हो, यानी एसेट जो लिक्विड एसेट्स इससे भी अधिक हो जो करंट लायबिलिटीज है, तो इसको अच्छी कंडीशन में माना जाता है, और इससे भी कम होती है तो उसको अच्छी कंडीशन नहीं माना जाती। हम देख सकते हैं कि ये इसके बराबर नहीं, इससे कहीं ज्यादा है, 3.24 गुना ज्यादा है, उसका मतलब बहुत अच्छी कंडीशन है। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर करें।